हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल हार एंटरटेनर। मैं हूँ आशीष शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज हुई दो फिल्मों के बारे में, जिसका नाम है, एक तो हमारी बॉलीवुड फिल्म जो है ड्राइव, ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स में मिल जाएगी, और दूसरी फिल्म है टर्मिनेटर की सीरीज की टर्मिनेटर डार्क फेट, जो की देखने के लिए आपको थिएटर जाना पड़ेगा। तो दोनों ही फिल्में तकरीबन दो दो घंटे की, और इन दोनों में से कौन सी फिल्म आपको इस हफ्ते पहली देखनी चाहिए मैं बताऊं आपको इस वीडियो में। तो इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल अरहान एंटरटेनमेंट को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। तो शुरू करते हमारा आज का वीडियो। हम लोग इंडियन से, तो हम लोग सबसे पहले हमारी बॉलीवुड फिल्म की बात करें, जिसका नाम है ड्राइव। ये फिल्म जैसे कि मैंने आपको कहा, ये आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। इस फिल्म में हमें सुशांत सिंह राजपूत, जैकलिन फर्नांडिस, पंकज त्रिपाठी, बोमन ईरानी नजर आते हैं, और ये करण जौहर के बैनर तले बनी फिल्म है। करण जौहर की मैं यहाँ पे तारीफ करूंगा, बहुत ही स्मार्ट प्रोड्यूसर है भाई, सच में। क्योंकि अगर ये फिल्म थिएटर में रिलीज होती तो अगर इसको 30-40% ऑडियंस फर्स्ट डे देखती भी फर्स्ट शो, तो सेकेंड शो इस मूवी का 110% कैंसिल हो जाता, क्योंकि बहुत सारी वजह इस मूवी के बारे में बुरा बोलने की। लेकिन मैं इतना बुरा नहीं बोलूंगा क्योंकि आज थोड़ी तबीयत मेरी खराब है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से भी इतना ही बोलूंगा, ये फिल्म में आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता है। ड्राइव ये जो नाम है, और ये जो हमारे इसका ट्रेलर आपको देख के धूम 2 या धूम सीरीज की याद आती है, लेकिन सच बता रहा हूँ ये मूवी धूम के नाम पर एक मजाक बनाएगी। सच में धूम का लेवल एक अलग ही है। अगर आप बात करेंगे धूम 2 की, जो 2006 में आई थी, वो 2006 में आई, तो ये 2019 में, तो 2006 और 2019 में कितने साल का डिफरेंस है आप लोग खुद कैलकुलेट करके मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और वो 2006 में इतनी जबरदस्त फिल्म बनी, और ये फिल्म 2019 में मजाक बना के रख दिया। सच में अगर मैं धूम 2 के एक सीन की बात करूँ, जहाँ पे ऋतिक रोशन अपनी बॉडी को व्हाइट कलर पेंट करके चोरी करते एक सीन है, इतना जबरदस्त तरीके से शूट किया गया था, और 2006 में जो आज भी देखो तो ऐसा लगता है कि हॉलीवुड की टक्कर का सीन है भाई। और यहाँ पर आप बिल्कुल सिमिलर उससे मिलता जुलता एक सीन देखोगे, जिसको देखकर आपको हंसी आएगी। हालांकि यहाँ पर लोगों ने बॉडी को पेंट नहीं किया, लेकिन वो सीन देख के इतनी हंसी आएगी कि मतलब आप अपनी हंसी नहीं रोकोगे, और कहीं भी लिहाज से ये फिल्म आपको अच्छी नहीं लगेगी। ये फिल्म उन लोगों को अच्छी लगी जो लोग हॉलीवुड फिल्म देखने से नफरत करते हैं, वो चाहते हैं कि हॉलीवुड फिल्मों की तरह हमारे इंडिया में भी फिल्म बने। मैं धूम सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि धूम सीरीज का लेवल इस फिल्म से कहीं ज्यादा ऊपर है। ये फिल्म को सीधा सीधा कहीं धूम से उठा लिया, या तो फिर फास्ट नहीं फिर से, क्योंकि जब फिल्म शुरू होती है तो आपको ना कार एक ऐसी जगह देखने को मिलेगी इंडिया में, जहाँ पे कार रेसिंग हो रही है, और लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनी है, और वहां पे जैकलिन फर्नांडिस की एंट्री हो रही है, और हमारे इंडियन रोड्स पे रेसिंग कार दौड़ रही है, रेसिंग लग रही है बाकायदा। और वो सीन को इतनी खराब तरीके से शूट किया गया कि आपको ऐसा लगता है कि ये फिल्म आगे चल के बहुत बड़े बड़े आपको चूतिया पड़ने वाले सीन देखने को मिलेंगे, और वाकई में आपकी ये जो बात है ना वो खरी साबित होती है, और ये फिल्म में आगे चल के बहुत ही बड़े बड़े चूतिया वाले सीन है। ऐसे ऐसे सीन है कि मतलब मैं आपको क्या बोलूं, सिर्फ 2 घंटे की सीन है, लेकिन ऐसा सिर्फ 2 घंटे की फिल्म है, लेकिन ऐसा था यार 50 घंटे की फिल्म देख लो। और परफॉर्मेंस वाइज कोई भी आपको इम्प्रेसिव नहीं करता। इवन पंकज त्रिपाठी की मैं बात करूंगा, इतने जबरदस्त एक्टर है, लेकिन इस फिल्म में कुछ खास मुझे लगा नहीं करने के लिए था। और ये पार्लियामेंट, अरे मतलब क्या है यार, मुझे बिल्कुल भी समझ में। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि ये मूवी टाइम पास है, अगर आपको देखना है, टाइम पास करना है, अगर हॉलीवुड फिल्म से नफरत है तो ये फिल्म जाके जरूर देखना, और अगर हाँ, अगर आप धूम सीरीज को पसंद करते हो तो ये फिल्म मत देखना, वरना आपको धूम सीरीज से भी नफरत हो जाएगी। सीरीज ना तो देखो भाई, अपने रिस्क पे देखो, मैं सिर्फ ये अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। खैर, अब हम लोग बात करेंगे हॉलीवुड फिल्म की, जिसका नाम है टर्मिनेटर डार्क फेट। ये फिल्म सीधा सीधा आप कनेक्ट कर सकते हो टर्मिनेटर यूनिवर्स में बनी हुई पहले की दो फिल्में, 1984 और 1991 में जो फिल्म आई थी टर्मिनेटर की, यानी कि लास्ट जो फिल्म आई थी टर्मिनेटर जजमेंट है, उसके बाद की ये पार्ट है। यानी कि देखा जाए तो ये ऑफिशियली तीसरा पार्ट है टर्मिनेटर का, क्योंकि टर्मिनेटर की यू तो बहुत सारे पार्ट्स है, लेकिन ये फिल्म जो सारा कॉर्नर का जजमेंट डे के बाद क्या होता है, उसके बेटे को क्या होता है, और उसके आगे वो किस तरीके से रहती, क्या कुछ करती, वो आपको इस मूवी में पता चलेगा। प्लस यहाँ पर सारा कॉर्नर किसी भी तरीके से डैनी यानी कि एक लड़की है उसको बचाना है, और यहाँ पर एक फ्यूचर की एक और आती है, उसका नाम होता है ग्रेस, तो दोनों मिलकर किस तरीके से डैनी को बचाते हैं। और इस मूवी में जो अच्छा पार्ट है वो है अर्नोल्ड, जो कि इंटरव्यू के बाद उनकी एंट्री होती है, और उनका वही एज यूजुअल जो उनकी टर्मिनेटर सीरीज में जो काम होता है वही एज यूजुअल काम है। हालांकि उनका काम इतना कुछ ज्यादा नहीं है, और ये फिल्म में आपको एक्शन के साथ साथ इमोशनल सीन्स काफी देखने को मिलेंगे, अलग ड्रामा देखने को मिलेगा। तो ये कुल मिला के 2 घंटे की फिल्म है, और आपको टर्मिनेटर यूनिवर्स में ऐसा लगता है कि फिर से एक अच्छी फिल्म बनी, क्योंकि
जितनी भी टर्मिनेटर यूनिवर्स में जो फिल्में बनी वो आप कहीं ना कहीं फैंस को निराश कर रही थी, क्योंकि उसमें स्टोरी नहीं थी, क्योंकि डायरेक्टर भी जेम्स कैमरॉन नहीं थे। लेकिन यहाँ पर जेम्स कैमरॉन डायरेक्टर तो नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बार बहुत ही अच्छी कहानी लिखने की कोशिश की गई, और ये फिल्म मुझे पर्सनली अच्छी लगी है। मैं ट्रेलर देख के काफी निराश हुआ था, मगर जब मैं फिल्म जाके देखा तो बिल्कुल भी मैं निराश नहीं हुआ। मुझे ये फिल्म अच्छी लगी है, वॉचेबल लगी है, मतलब एकदम बेस्ट तो नहीं लगी, क्योंकि जब फिल्म के एक्शन देखो तो आपको 90s की जो टर्मिनेटर फिल्म थी उसी की याद आती है, सीन्स भी काफी उससे आप मैच कर सकते हो। तो ये फिल्म बहुत बेस्ट तो नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी प्रीवियस जितनी भी टर्मिनेटर फिल्म आई तो उससे तो बेटर है और ये वॉचेबल है। प्लस में लिंडा हैमिल्टन जो सारा कॉर्नर का रोल प्ले कर रही है, फिर से एक बार आपको अब उनकी दो फिल्में की याद आती है। तो यार ये फिल्म अच्छी है, वॉचेबल है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। हिंदी डब भी ये ज्यादा वो लोग ने ओवर नहीं किया, हिंदी डब भी ठीक ठाक है। तो अगर आपको देखना है तो ये मूवी आप थिएटर में देख सकते हो। तो इस हफ्ते मैंने दो फिल्में बता दिया, अब आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी देखनी है। तो मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। टिल देन।